हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल सतनाम टेक में। दोस्तों ये जो वीडियो है, ये श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स का जो फर्स्ट T20 मैच खेला जाना है उसके बारे में हम ड्रीम 11 टीम देने वाले हैं आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन दोनों टीम्स के बीच में पहले 3 ODIs खेले जा चुके हैं और ये इनका फर्स्ट T20 मैच है। स्क्वाड वही सेम है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनका ड्रीम 11 से प्रेडिक्ट कर पाएँ। चलते हैं दोस्तों, हम आपको टीम दिखाए थे। हम आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे, जो हमने पिछला वीडियो डाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वो लिंक से आप हालात लेकर ट्विटर पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चालू है, जहाँ पर क्रिकेट के बारे में कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनके जवाब देने पर आपको हालात के कॉन्टेस्ट में फ्री में एंट्रीज मिल सकती है। तो दोस्तों एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का। चलिए दोस्तों हम पहले टीम देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पर टीम पे आ चुके हैं, श्रीलंका की पहले टीम देख लेते हैं, जिसमें पहले निपुनी, चमीरा, दिलीन, शशिकला, यहाँ पे चमीरा, पोलंगम पोला, रिबिका, हसनिनी, एमा, श्रीपाली, इनोकावा, सुगंधिका, ये 11 है। और ये जो बॉलर्स हैं, ये जो अब तक यूज़ किए गए हैं श्रीलंका द्वारा, उनके नाम लिखे गए हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि जो पहला T20 है, इसमें जिसमें जहाँ जहाँ मैंने 3 लिखा है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों ही ODI में खेले हैं, तो इसलिए कन्फर्म है कि ये T20 मैच भी खेलने वाले हैं। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, तो कन्फर्म 8 आप देख रहे हैं, तो बचे 3 जहाँ पे आपको रिस्क उठाना चाहिए। आपको बता देता हूँ, सुगंधिका कुमारी भी खेलने वाली है यहाँ पे कंफर्म। यहाँ पे 9 प्लेयर हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं, चमीरा भी खेलने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट 10 प्लेयर यहाँ पे हो चुके हैं जो कंफर्म खेलने वाले हैं। और जो यहाँ पर डाउट है वो यहाँ पे है, दिलीना। अगर श्रीलंका चाहेगी कि अपनी बैटिंग लाइनअप मजबूत करें, तो दिलीना के साथ जा सकती है। अगर वो चाहे बॉलर के साथ जाना चाहेंगे, तो यहाँ पर अजीना के साथ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ज़रूर है, और मेरे ख्याल से श्रीलंका को बैटिंग के साथ जाना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं, श्रीलंका हर बार ऑलमोस्ट ऑल आउट या फिर 8-9 विकेट गिर जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका मेरे ख्याल से दिलीना के साथ जाना चाहेगी। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो, दोनों को एक एक मैच में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो छोड़ दीजिएगा, जो मैंने कन्फर्म 10 बताए हैं आप उसमें से ये टीम सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अभी पाकिस्तान की टीम देख लेते हैं। एक बार आपको प्लेइंग 11 दिखा देते हैं। पाकिस्तान की जो टीम प्लेइंग 11 है, उसमें ज़्यादा चेंजेस हुए ही नहीं हैं। देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक ही चेंज हुआ है, जो आपको बता देता हूँ मैं। जैसे नाहिदा खान और मुनीब अली दोनों ओपनिंग करते हैं, और जवेरी खान और बिशमा मरूफ काफ़ी ही अच्छे फॉर्म में हैं। निदरा अमीन निदादार यहाँ तक बैटिंग आ ही नहीं पाती है, क्योंकि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और साइना मीर, ये तो मोस्ट वीकेंड टेकिंग कह सकते हैं इनकी टीम की तरफ से है। अमीन अनवर जो थर्ड ODI में खिलाई गई थी, पहले 2 ODI नहीं खेली थी, पहले 2 ODI ने थेलिया खेली थी, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, विकेट नहीं ले पा रही थी, तो अमीन अनवर को मौका दिया गया था। और सदीरा नवाज, इनके विकेट कीपर, इनकी बैटिंग भी तीनों मैच में नहीं आ पाई है। दीना बेग और सरा संधु, ये इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। तो आपको बताया था इंपॉर्टेंट प्लेयर नाहिदा खान, मुनीब अली, जवेरिया खान, बिशमा मरू, ये चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कि आप T20 हैं जानते हैं, हम टॉप ऑर्डर्स को ही सेलेक्ट करते हैं, नीचे तक नहीं आते हैं। सदीरा में इनका फॉर्म अच्छा नहीं है, तो हम इसे पिक नहीं करेंगे। नीतदार को आप ले सकते हैं, ऐसे ऑलराउंडर, अगर बैटिंग आती बैटिंग भी कर लेते हैं, और हर बार 1 से 2 विकेट भी निकाल लेते हैं। और साइना मीर तो कन्फर्म्ड है, बेस्ट प्लेयर हम कह सकते हैं अब तक की। इसके बाद हम जाते हैं सदीरा नवाज, कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो हम इन्हीं विकेट कीपर नहीं लेंगे। हम जो विकेट कीपर लेंगे श्रीलंका का लेंगे। देना बैग ले सकते हैं, नसारा संधु अच्छा विकेट निकाल रहे हैं 1-2 बार। और कंफर्म आपको बता दूं, तो कंफर्म प्लेइंग 11 यहाँ पे 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पे बचता है ऑप्शन सिर्फ एक, जैसे श्रीलंका मैंने आपको बताया था कंफर्म 10 है, सब स्मॉल लीग में खेल सकते हैं। बचता है ऑप्शन अमीना अमीर का,
जैसे दोनों मैचों में अमीना अमीरो नहीं थी, यहाँ पे नथेलिया थी, तो ये प्लेइंग इलेवन थी। थर्ड मैच में सिर्फ एक चेंज किया गया कि नथेलिया को टीम से बाहर निकाल दिया गया था, अमीना अनवर को लाया गया था। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, इसके पहले 2017 में नवंबर के आसपास जो वेस्ट इंडीज़ के साथ पाकिस्तान वुमेंस के मैचेस हुए थे, उसमें अमीना अनवीर हर एक मैच का हिस्सा रही थी। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि अमीना अनवीर खेलेंगी, 60% चांस है कि अमीना खेलेंगी और 40% चांस है कि नथेलिया खेलेंगी। बाकी आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक बार मैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम और हाला प्ले की टीम दिखा देता हूँ। जैसे ही हम ड्रीम इलेवन टीम में आते हैं, मैंने एक टीम बना रखी है, आप उस टीम को देख सकते हैं। सॉरी, टीम नहीं बनाई है, आपको एक टीम बना कर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा, सदीरा नवाज की बैटिंग नहीं आती है तो हम हमेशा रिबिका के साथ जाएंगे, हम रिबिका को पिक कर लेते हैं। और बैटिंग में जवेरी खान काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। दिल्ली ना स्मॉल लीग के लिए नहीं प्रेफर करूँगा, ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप उसे ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग के लिए नहीं। नाहिदा खान आप ले सकते हो या नहीं, ख्याल से नहीं, शायद नहीं खेलेगी, उनके पॉइंट्स खेलेगी, ओपनर हैं पर फॉर्म अच्छा नहीं है देखा जाए तो। फॉर्म के बारे में मुनीब अली काफ़ी ही अच्छे फॉर्म में हैं, इन्हें भी आप खिला सकते हो, इन्हें मौका दिया गया था पिछली बार पर फिफ्थ नंबर पर आई थी, तो और बैटिंग इतनी ख़ास नहीं, और हम ओपनर्स के साथ ही जाएंगे। हसीना परेरा ओपनिंग कर रही हैं पर हर एक मैच में तीनों ODIs खेली हैं, उनका एवरेज नियर अबाउट 15 का आया है, तो इसके साथ में आपको प्रेफर नहीं करूँगा जाने के लिए। यहाँ पे बचती निपुणा हंस का, मैं प्रेफर करूँगा आप इनके साथ जाइए। जैसे हम देख रहे हैं बरसीदा को 35% लोगों ने ले रखा है, तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। जैसे हम जवेरी खान पिक कर लेते हैं, नाहिदा खान पिक कर लेते हैं, उन्हीं वाली पिक हम ज़्यादा से ट्राई करेंगे कि बैट्समैन पाकिस्तान के हों और बॉलर भी पाकिस्तान के हों, क्योंकि ज़्यादा विकेट से ही ले पा रहे हैं। तो हम तीन बैट्समैन ले लिए हैं, निपुणा हंस का ले सकते हैं, और जैसे पांच बैट्समैन के साथ जाएंगे, क्योंकि बैटिंग T20 बैटिंग पिच है, ज़्यादा रन्स बन रहे हैं। और यहाँ पे ऑलराउंडर्स में देखते हैं, चमीरा अट्टू पट्टू बेस्ट ऑप्शन रहेगी, बेस्ट श्रीलंका की तरफ से सबसे ज़्यादा रन स्कोर अभी तक चमीरा ने ही किए हैं देखा जाए तो। शशिकला श्रीवर्धन काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगी आपको। बिश्मा मरूफ आप लेना चाहें, शशिकला को ड्रॉप करके बिश्मा मरूफ लेना चाहें, आपको अपने क्रेडिट्स मेंटेन करने हैं। आप क्रेडिट्स मेंटेन कर पाते हो तो निजादार भी आप ले सकते हैं। जैसे अगर उधर बैट्समैन से अगर एक अगर कोई बैट्समैन कम करना चाहो तो मेरे ख्याल से निपुणा को अगर आप ड्रॉप करके निजादार के साथ जाते हो तो अच्छा ऑप्शन होगा। आप चमीरा के साथ भी जा सकते हो, जो काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेती हैं और बॉलिंग भी कर लेती हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे। चमीरा, शशिकला, बिश्मा, निदादार, चमीरा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पांच ऑप्शन रहेगा आपने। इसमें बेस्ट ऑप्शन रहेगा चमीरा और बिश्मा मरूफ, इन दोनों का आप ड्रॉप मत कीजिएगा, बाकी आप कुछ भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। फिर बॉलर्स की बात आती है तो बॉलर्स में साना मीर बेस्ट बॉलर रही हैं अब तक इस टूर्नामेंट की कह सकते हैं, और इनोकावकी को भी आप लीजिएगा, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं है, ये इनके मेन बॉलर हैं और ये हर मैच में खेलती ही खेलती हैं। यहाँ पे हमारे 10th प्लेयर हो चुके हैं, मैं आपको बता दूँ। आप दीना बेग के भी साथ जा सकते हो जो कंफर्म खेलेगी ही खेलेगी, नसार संदूक से भी साथ जा सकते हो, और यहाँ पे सुगंधिका कुमारी भी काफ़ी अच्छी बॉलर हैं देखा जाए तो, हर एक दो विकेट आपको दिला ही देगी। और आप यहाँ पे T20 है, नसारा संदूक के भी साथ जा सकते हो, पर मैं प्रेफर करूँगा सुगंधिका कुमारी के साथ जाइए। दोस्तों अभी दिखा देता हूँ आपको मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइसेस। कैप्टन यहाँ पे आप जवीरा खान को बना सकते हैं, जवीरा खान, नाहिदा खान को 83% लोगों ने ले रखा है, देखा दोस्तों आपने। और जवीरा खान को कैप्टन, वाइस कैप्टन नाहिदा खान, मुनीब अली, चमीरा अट्टीपट्टू, बिश्मा मरूफ, ये पांच ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी शफल करके बना सकते हैं। इसके बाहर शायद आप बॉलर्स के साथ मत जाइए, बॉलर्स के जाना है तो साइना मीर, ऐसे छः ऑप्शन हो चुके हैं आपके पास कैप्टन वाइस कैप्टन के। चलिए दोस्तों एक बार आपको हाला प्ले की टीम दिखा देता हूँ। हाला प्ले की टीम में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैच जीतना, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन होता है, एक तो आप कैप्टन, यहाँ पे वाइस कैप्टन का ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको सिर्फ कैप्टन चुनना होता है जो कि काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं माय टीम, ये टीम आपको करके दिखा देता हूँ। सेम जवीरा खान, नाहिदा खान, दिल्ली ने आपको बता चुका हूँ मैं रिस्की हो सकती है, निपुणा हंसिका, मुनीब अली, चार बैट्समैन पिक कर लेते हैं और आगे देखते हैं।
विनुकोवा, नसारा सिंधु, एमा कांचना। मैं ऐसे बॉलर बता रहा हूँ आपको जिसमें रिस्क ना हो स्मॉल लीग टीम के लिए, और बड़ी में तो आप रिस्क ले ही सकते हैं। चमीरा अट्टुपट्टु, बिस्मा अमरूफ, साइना मीर और चमीरा आप ले सकते हैं। तो अगर कोई ड्रॉप करना चाहें काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगी चमीरा यहाँ पे। और विकेट कीपर रिबिका वापस वही, और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। आपको फिर से बता दूँ जवेरी खान अच्छी ऑप्शन होगी, नाहिदा खान अच्छी ऑप्शन होगी, निपुण हंस का नहीं प्रेफर करूँगा मैं, मुनीब अली, नसारा संधु, चमीरा अट्टुपट्टु, साइना मीर, बिस्मा अमरूफ। ये पांच छह ऑप्शन जो आपको बताए हैं आप इसमें से ही कैप्टन चुनिएगा दोस्तों, और आप ग्रैंड लीग टीम ज़रूर जीतेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और आपको कोई भी कमेंट हो हमें नीचे लिख के ज़रूर दीजिए सजेशन, हम आपका वेलकम करते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।